कुछ दिनों पहले ईशा देओल की गोद भराई की रस्म में जया बच्चन काफी भड़क गई थी, लेकिन अब इस मसले पर हेमा मालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल जब ईशा की गोद भराई की रस्म चल रही थी, उस वक्त एक पंडित ईशा संग सेल्फी लेने लगा। ये देख जया बच्चन का पारा काफी हाई हो गया। उन्होंने पंडित को खरी खोटी सुना दी। दरअसल जया बच्चन काफी नियमों वाली मानी जाती है, जरा भी गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती। ईशा की गोद भराई में जया बच्चन के गुस्से की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, मगर इस पर हेमा मालिनी का कहना है कि जया बच्चन मेरी काफी अच्छी दोस्त है और ईशा आहना भी जया जी को काफी पसंद करती है। हेमा मालिनी के मुताबिक जया बच्चन उनकी फैमिली मेंबर की तरह है, ईशा तो उन्हें माँ की तरह मानती है, इसलिए उनका गुस्सा होना पार्टी में किसी को भी बुरा नहीं लगा। खैर, हेमा मालिनी ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर कहीं ना कहीं ये जता दिया कि अगली बार वो जया बच्चन को लेकर काफी सतर्क रहने वाली है। वहीं अपनी बेटी ईशा देओल की प्रेगनेंसी को लेकर हेमा मालिनी काफी एक्साइटेड है। हेमा ने ईशा के आने वाले बच्चे को लेकर कई प्लान्स भी बना रखे हैं। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईशा को लड़की हुई तो वो उसे भरतनाट्यम सिखाएंगी, अगर लड़का हुआ तो उसे जॉर्जियन डांस सीखना होगा। कुछ समय पहले ईशा की हुई गोद भराई के बारे में हेमा मालिनी ने एक बार फिर कहा कि हमने हमारे जुहू के बंगले में सिंपल साउथ इंडियन तरीके से गोद भराई की रस्म रखी थी। ईशा की सास ने भी सिंधी स्टाइल में गोद भराई की थी। हेमा मालिनी ने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से श्रीदेवी और जया बच्चन को बुलाया था, क्योंकि ईशा को जया जी से काफी प्यार है और वो उसे माँ की तरह मानती है, उनका रिश्ता काफी अच्छा है। हेमा मालिनी ने एक बार फिर कहा कि जया जी का गुस्सा होना किसी को भी नहीं अखरा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।